सभी दर्शकों को श्रेया त्रिपाठी का नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई। फूल उठा ले तो कलाई में लचक आ जाए, तुझ हसीना को खुदा ने वो नजाकत दी है। गीतकार हसरत जयपुरी द्वारा प्रस्तुत नारी कोमलता की ये चरम अभिव्यक्ति वस्तुतः नारी की आदर्श छवि को दर्शाती है। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, स्त्रियों की कोमलता पुरुषों की काव्य कल्पना है। उनमें शारीरिक सामर्थ्य चाहे कम हो, पर उनमें वह धैर्य व साहस है जिस पर काल की दुश्चिंताओं का जरा भी असर नहीं होता। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। लेकिन साहिर लुधियानवी ने नारी की आदर्श छवि के विपरीत नारी के यथार्थ रूप को प्रस्तुत करते हुए उसे ये सीख दी। इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो, इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो, हद के अंदर हो नजाकत तो अदा होती है, हद से बढ़ जाए तो आप अपनी सजा होती है। इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो, जिस्म का बोझ उठाए नहीं उठता तुमसे, जिंदगानी का कड़ा बोझ सहोगे कैसे, तुम जो हल्की सी हवाओं में लचक जाती हो, तेज झोंकों के थपेड़ों में रहोगी कैसे, ये ना समझो के हर एक राह में कलियां होंगी, राह चलनी है तो कांटों पे भी चलना होगा, ये नया दौर है इस दौर में जीने के लिए, हुस्न को हुस्न का अंदाज बदलना होगा। सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा था, महिलाएं हमारे जीवन सूत्रों को बिखरने से बचाने में अपनी अहम भूमिका अदा करती हैं। जीवन सूत्रों को पिरो कर रखने की बात भारतीय महिलाओं पर कुछ ज़्यादा ही सटीक बैठती है। यही कारण है कि भारतीय परिवार आज भी विश्व संदर्भ में अधिक टिकाऊ है। अरे ओ रे, अरे ओ रे, धरती की तरह हर दुख सहले, सूरज की तरह तू जलती जा, धरती की तरह हर दुख सहले, सूरज की तरह तू जलती जा, सिंदूर की लाज निभाने को चुपचाप तू आग पे चलती जा, चुपचाप तू आग पे चलती जा। नारी को इस देश में देवी कहकर जाती जाना है, जिसको कुछ अधिकार न हो वो घर की रानी माना है, तुम ऐसा आदर मत लेना, जहाँ तक प्राचीन समाज की बात है तो उस समय नारी कई प्रकार के बंधनों में जकड़ी हुई थी और समाज में पुरुषों की हेजेमनी थी। मर्दों ने बनाई जो रस्में, उनको हक का फरमान कहा, औरत के जिंदा जलने को कुर्बानी और बलिदान कहा। औरत जात मर्द से झगड़ा तेरे बस का काम नहीं,
तुम्हारी छुट्टी ना कर दूं तो सरजू मेरा नाम नहीं, तेरी छुट्टी ना कर दूं तो, तेरी छुट्टी ना कर दूं तो सरजू मेरा नाम नहीं। ये मर्द बड़े दिल दर्द बड़े बेदर्द कलोजी माना, मर्दों का फिर भी गुलाम है जमाना। लेकिन कालांतर में नारी ने समय की मांग के अनुसार अपने परंपरागत ढांचे में बदलाव की तरफ कदम बढ़ाया। नारी कुछ ऐसन आगे निकल रही है, नारी कुछ ऐसन आगे निकल रही है, मर्दन के पांव तले धरती फिसल रही है, मर्दन के पांव तले धरती फिसल रही है। नारी कुछ ऐसन आगे निकल रही है, नारी कुछ ऐसन आगे निकल रही है, मर्दन के पांव तले धरती फिसल रही है, मर्दन के पांव तले धरती फिसल रही है। आज की नारी समाज के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम ताल करते हुए कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही है और अपनी सफलता का परचम लहरा रही है। वो दिन गए के घर के चूल्हे मसर खपाया, एक पैर अब जमीन पर एक चांद पर जमाया। बदली है जब से औरत दुनिया बदल रही है, बदली है जब से औरत दुनिया बदल रही है, मर्दन के पांव तले धरती फिसल रही है। नारी कुछ ऐसन आगे निकल रही है, मर्दन के पांव तले धरती फिसल रही है। मर्दन की मोमबत्ती टप टप पिघल रही है, मर्दन के पांव तले धरती फिसल रही है। नारी कुछ ऐसन आगे निकल रही है, मर्दन के पांव तले धरती फिसल रही है। हालांकि अभी भी समाज में पुरुषवादी मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है और इसके लिए हमें संवैधानिक अधिकारों को सामाजिक अधिकारों में बदलने की लड़ाई लड़नी होगी। इस लड़ाई को जीतने के लिए जरूरी है प्रतिद्वंदिता और टकराव की राह छोड़कर स्त्री पुरुष के सहयोग की वह राह पकड़ने की जिस पर चलकर हमने आज़ादी की लड़ाई जीती थी। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। नारी उत्थान को पुरुष विद्रोह के धरातल पर खड़ा करने की सोच वर्तमान परिवेश में बहुत न्याय संगत प्रतीत नहीं होती। आज की सामाजिक जरूरत संबंधों की टूटते हुए नाजुक धागों को जोड़े रखने की है, तभी हम टूटते समाज को दरकने से रोक सकते हैं।